टाटा चलाने वाला है पानी से गाड़ियां। टाटा ने करा एक और कारनामा, दुनिया के सभी देश पीछे रह गए। दोस्तों, ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और अगर हम आपको एक ऐसे इंजन के बारे में बताएं जो सिर्फ 10 रुपए में कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, टाटा ने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसके बारे में जानकर अरब देशों के पसीने छूट गए। इस इंजन के बनाने के बाद पेट्रोल डीजल का खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस इंजन के बनने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई क्रांति आने वाली है। टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, बल्कि टाटा का नमक तो आपने जरूर खाया ही होगा। टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत ही अग्रसर कंपनी है। अब टाटा ने एक ऐसा इंजन बनाया जिसके लॉन्च होने के बाद सारी दुनिया के होश उड़ने वाले हैं। इस इंजन के बनने के बाद दुनिया के सभी व्हीकल की छुट्टी ग्लोबल मार्केट से हो जाएगी। फिर वो व्हीकल पेट्रोल से चलने वाला हो या डीजल से चलने वाला हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, इस इंजन के आ जाने के बाद इन सभी व्हीकल्स की सेल जीरो होने वाली है। दोस्तों, टाटा के द्वारा बनाए गए इस इंजन का कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद नहीं है। इस इंजन के बारे में पता चलते ही अरब देशों के पसीने छूट गए, क्योंकि ये इंजन सिर्फ पेट्रोल डीजल का ही नहीं बल्कि बैटरी का भी सफाया करने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आसमान को छू ही रही हैं, लेकिन इसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी हमारी पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि सभी देश पेट्रोल डीजल से आगे निकलकर अपना विकास करना चाहते हैं। देखा जाए तो आज के समय में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को बैटरी वाली गाड़ियों से रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी रिसर्च की जा रही है ताकि इसका 100% अल्टरनेटिव तैयार किया जा सके। लेकिन इसी में टाटा ने कुछ ऐसा किया जो बड़ी बड़ी सुपर पावर भी नहीं कर सकती हैं। असल में टाटा ने भारत के अंदर पहली हाइड्रोजन फैक्ट्री लगा दी है और इस फैक्ट्री में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्जन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो हाइड्रोजन इंजन बना सकते हैं। टाटा की फैक्ट्री हमारे भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन बनाने वाली कंपनी है। टाटा ने इस फैक्ट्री को बनाने की शुरुआत साल 2023 में करी थी और अब ये फैक्ट्री पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। टाटा ने ये कंपनी अकेले नहीं खोली बल्कि टाटा के साथ अमेरिकन कंपनीज भी हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं। इस इंजन को जमशेदपुर में बनाया जा रहा है। इस इंजन के बनने के बाद स्टार्टिंग में इन फैक्ट्रियों के अंदर केवल मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही हाइड्रोजन इंजन बनाए जाएंगे और फिर इसके बाद में छोटे पैसेंजर गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में टाटा कमिंस जेवी को चलाता है। इसके अलावा इस कंपनी के इंजन का इस्तेमाल टाटा की गाड़ियों के अलावा और भी कई सारी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। ये जेवी भारत में कुल मिलाकर 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है और भारत में बनाई गए इंजन को आज 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में भारत अपने इन हाइड्रोजन इंजन को यूरोप जैसे बड़े देशों में भी एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि यूरोप के अंदर पहले से ही हाइड्रोजन बेस्ड इंजन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। गाड़ियों के अलावा टाटा पिछले साल अपने पहले हाइड्रोजन ट्रक को भी लॉन्च कर चुका है। साथ ही साथ टाटा साल 2021 में 15 फ्यूल सेल बसेस का भी टेंडर जीत चुका है। इन बसेस का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिया था, लेकिन टाटा की बनाई हुई ये बसें 100% स्वदेशी नहीं थी, क्योंकि इन बसों के अंदर बाहर से इम्पोर्टेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जो ट्रक टाटा बनाकर भारत में लॉन्च करने वाला है वो 100% स्वदेशी होगा, क्योंकि इसमें लगाए गए इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट लोकल वेंडर्स और सप्लायर्स से लिए जाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ इससे भारत के पड़ोसी देशों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे भारत अपने पड़ोसी देशों के एनर्जी बिल को भी कम करने में मदद करेगा। लेकिन फिलहाल इस इंजन के जरिए डीजल इंजन को लगभग 10 साल तक रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन की ज्यादा कीमत। दोस्तों, फिलहाल हमारे भारत के अंदर 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 350 की कीमत पर मिल जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन ज्यादा माइलेज के साथ किसी भी गैस से ज्यादा सुपीरियर होती है, और टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को कम करने के लिए एक लैब भी बनाया, जिस लैब के अंदर देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्जन इंजन डेवलप किए जाएंगे। टाटा की ये लैब देश में पहली बार पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने का काम करेगी। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया गया
कि टाटा अपने ऐसे दो लैब का उद्घाटन कर भी चुका है जहां हाइड्रोजन इंजन के साथ साथ फ्यूल सेल और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ऊपर भी रिसर्च की जाएगी। टाटा कमिंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू कर चुका है, लेकिन हाइड्रोजन पावर पर बेस्ड नए इंजन को स्क्रैच से डेवलप किया जा रहा है। इसके जरिए भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से ऐसे इंजन को रिफाइंड किया जा सकेगा। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि बैटरी पावर गाड़ियों को ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं किया जा सकता और हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर की तरह देखा जा रहा है, यानी हाइड्रोजन भविष्य का फ्यूल है। और यही रीजन है कि अभी तक दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनियों की तरफ से बैटरी पावर गाड़ियां लॉन्च नहीं की गई। इसके अलावा फ्यूल सेल का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें रेंज भी लंबी रहती है, साथ ही साथ चार्जिंग की दिक्कत भी नहीं होती। इसके अलावा बैटरी रिप्लेसमेंट का भी कोई झंझट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन इंजन से भी ऊपर एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू किया जा चुका है। अशोक लीलैंड ने एक ऐसा इंजन बनाया जिसके जरिए एक ही इंजन को हाइड्रोजन के अलावा CNG, LNG और बायोगैस से चलाया जा सकता है। देश की पहली हाइड्रोजन बस दिल्ली के अंदर शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हाइड्रोजन ट्रेन को भी भारत में दो जगहों पर उतारा जाने वाला है, जिसमें से पहली ट्रेन हरियाणा में चलेगी और दूसरी शिमला रोड पर। दोस्तों, इन सब चीजों से ये बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में भारत को इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हाइड्रोजन इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ एक परेशानी है, हाइड्रोजन को सेफली स्टोर किए जाने की, और इसको लेकर मार्केट के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और इनकी कीमतों को कम करने के लिए टाटा ने अपने लैब बनाए, क्योंकि अभी तक इस सेक्टर में भारत की रिसर्च बिल्कुल ना के बराबर थी और भारत को शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी की कीमतें कम करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए हाइड्रोजन इंजन के काम की, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन इंजन हाइड्रोजन से फ्यूल बनाकर व्हीकल को स्पीड देने का काम करता है। इसमें मोटर और इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ी बैटरी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रिकनेक्शन कराई जाती है, जिसमें फ्यूल बनने के बाद कार्बन का उत्सर्जन होने लगता है। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी भी फ्यूल के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है, यही वजह है कि इसे पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में एक अच्छा विकल्प कहा जा रहा है। देश भर में सभी लोग ग्रीन एनर्जी को लेकर चिंतित हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2070 तक भारत के अंदर शून्य कार्बन की स्थिति ला दी जाएगी। इस बारे में टाटा मोटर्स का कहना है कि वो सिर्फ 25 से 30 सालों के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के साथ सामने आएगी। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द टाटा की तरफ से हमें अपने भारत देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन आईसी इंजन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें रोजगार भी मिलेगा।